इमरान खान की पॉलिसियां मुल्क दुश्मन करार, इनके बयान की कोई हैसियत नहीं। महंगाई पीटीआई दौर में शुरू हुई, मुल्क को नाजुक हालात से निकालने के लिए मुश्किल फैसले किए जिस वजह से महंगाई को कंट्रोल न कर सके। रियासत को बचाने के लिए सियासत को कुर्बान किया, किसी को इस्लामाबाद पर चढ़ाई नहीं करने देंगे। 2023 इंतखाबात का साल है, वफाकी वज़ीर दाखला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आज़म ने जनरल असेंबली में मसला कश्मीर उठा दिया, तनाज़े कश्मीर का हल नागुज़ीर करार। मकबूजा वादी में भारत ताकत का बेदरीग इस्तेमाल कर रहा है, इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अक़्वाम-ए-मुत्तहिदा अपने करारदादों पर अमल कराए, तीन जंगें लड़ चुके, गुरबत और मसाइल के सिवा कुछ नतीजा नहीं निकला। तमाम हमसायों के साथ खुशगवार ताल्लुकात चाहते हैं, पाकिस्तान खत्ते में इस्तेहकाम का ख्वाहिशमंद है। शहबाज शरीफ का खिताब, अफगानिस्तान में भी पायदार अमन की ख्वाहिश का इजहार। बदतरीन सैलाब में बेघर होने वालों की आबादकारी बड़ा चैलेंज, पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा अभी तक पानी में डूबा है। आलमी बरादरी मदद करे, 3,30,00,000 मुतासरीन की जिंदगियों को खतरात लाहक। बच्चों की बहुत बड़ी तादाद भी कुदरती आफत की जद में आई, ऐसी तबाही पहले कभी नहीं देखी। सूरत हाल को अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़्वाम-ए-मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। पाकिस्तानी अवाम ग्लोबल वार्मिंग की कीमत अदा कर रहे हैं, 11 मिलियन अफराद गुरबत की लकीर से नीचे चले गए। अंतोनियो गुतरेस तबाही का मंजर अपनी आंखों से देख चुके, हमारे साथ जो कुछ हुआ वो सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेगा। मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंज से निमटने के लिए फौरी इकदाम किए जाएं, शहबाज शरीफ का आलमी बरादरी पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म अक़्वाम-ए-मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब के बाद अमेरिका से लंदन चले गए, शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात शेड्यूल। मुल्की सियासी सूरतेहाल और दीगर अहम अमूर पर मुशावरत होगी। सिंध में सैलाब की तबाहकारियां, जहां बहक अफराद की तादाद 745 हो गई। सूबे में 1,00,00,000 से ज्यादा अफराद मुतासर, 18,00,000 से ज्यादा मकानात को नुकसान, 37,00,000 एकड़ से ज्यादा अराजी पर खड़ी फसलें तबाह। सैलाब ज़दा इलाकों में वबाई अमराज फैलने से मुश्किलात में इजाफा। रहीम यार खान में तहरीक इंसाफ आज अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी, ख्वाजा फरीद कॉलेज ग्राउंड में जलसे की तैयारियां मुकम्मल, पार्टी परचमों की बहार, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, इमरान खान और दीगर पीटीआई रहनुमाओं का खिताब शेड्यूल। सात अक्टूबर तक जाना नंबर एक वर्चुअली तयशुदा है, कोर्ट का ऑर्डर है, उसको हम इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे और उसको उस तारीख से पहले पहले पहुँचे। इंशाल्लाह वो यूनाइटेड नेशन के कामयाब दौरे से इंशाल्लाह वापस लंदन पहुँच रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि उनके साथ मुलाकात होगी और मुलाकात में ऑब्वियसली मियां नवाज शरीफ साहब भी होंगे जैसे उनके जाते हुए हुई थी, तो उसमें फिर फैसला करेंगे। 7 अक्टूबर से पहले पाकिस्तान आने का इंदिया, वतन पहुंचकर नवाज शरीफ की वापसी की तैयारी करूंगा, पहले भी धरनों को डील किया, अब भी जरूरत पड़ी तो किरदार अदा करने को तैयार हूं। इसहाक डार की लंदन में दुनिया न्यूज से खसूसी गुफ्तगू। पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल तबाही के धाने पर आकर खड़ी हो गई है, ये वाजे नजर आ रहा है कि इस हुकूमत के बस की बात नहीं है इन मसाइल को संभालना। पिछले 6 माह के अंदर इन्होंने जो फैसले किए और उससे जो पाकिस्तान के अंदर महंगाई का तूफान आया वो आज तक पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं देखा गया। बहुत हो गया, अब पाकिस्तान के अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज होने वाला है और ये नहीं हो सकता कि एक तरफ आपके सैकड़ों अरबों रुपए के केस माफ होते जाएं और दूसरी तरफ पाकिस्तान की मईशत जो है वो दलदल में धंसती चली जाए। पाकिस्तान के हालात खतरनाक, मुल्की मईशत तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी, सब ठीक करने के दावेदारों ने आते ही महंगाई की शरह बढ़ा दी। मुल्क के मसाइल को हल करना इस हुकूमत के बस की बात नहीं, असद उमर की कराची में मीडिया टॉक।
मिफ्ता और इसहाक डार मिलकर भी मौशी हालात ठीक नहीं कर सकते। इस्लामाबाद पर चढ़ाई नहीं दादरसी के लिए आ रहे हैं ड्रोन और गोलियां आवाम का रास्ता नहीं रोक सकती। दुनिया में पेट्रोल सस्ता और पाकिस्तान में महंगा हो रहा है, शेख रशीद की तनकीद। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वफाक को पुलिस नहीं दे सकती। सूबे में अमन अमान बरकरार रखने के लिए फोर्स की यहाँ ज्यादा जरूरत है। वफाकी वजीर दाखिला अपनी हुकूमत बचाने के लिए पुलिस मांग रहे हैं मुआवन खसूसी बैरिस्टर सैफ। मरियम नवाज की पासपोर्ट वापस लेने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 27 सितम्बर को केस सुनेगा। गवर्नर पंजाब ने बल्दियाती एक्ट 2021 पर एतराज लगाकर वापस भिजवा दिया। सूबाई वजीर बल्दियात भी टेलीफोनिक राबते पर गवर्नर को कायल न कर सके। एतराज को दूर कर के दोबारा भेज देंगे, कानून पास होगा महमूद रशीद को यकीन। ताज़ीरात पाकिस्तान में बगावत की दफा 124 से कलदम करार देने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देकर खारिज कर दी। अदालत कानून साजी में मुदाखलत नहीं करेगी, पार्लियामेंट पर एतमाद करके इसे मजबूत बनाएं, चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क। डेंगू का फैलाव तेज, खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 284 केसेज रिपोर्ट, तादाद 6153 हो गई। पंजाब में भी 226 केसेज सामने आ गए। इस्लामाबाद में 24 घंटे के दौरान मजीद 85 अफराद मुतासर। नाजिम जोखियो कत्ल केस में पेशरत, फ्रीकैन में सुलह, केस खत्म करने पर एतराज़ नहीं। नाजिम जोखियो की वालिदा, बेवा, बच्चों की जानिब से हलफनामा कराची की सेशन अदालत में जमा। मुलजिमान पर आज फर्द जुर्म आयद होना थी, समाअत 15 अक्टूबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद के इलाके चक शहजाद में कैनेडियन नजात खातून का कत्ल, मुलजिम शाहनवाज का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत का तफ्तीश करके पीर को मुलजिम दोबारा पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद के मार्गला टाउन से डायरेक्टर सेफ सिटी की फंदा लगी लाश बरामद। अब्दुल कदीर इस्लामाबाद पुलिस में ग्रेड 19 के ऑफिसर थे। आईजी इस्लामाबाद का नोटिस, केस की हर पहलू से शफाफ तहकीकात की हिदायत। G20 ममालिक से 2 साल में 3 अरब 68 करोड़ डॉलर की कर्ज अदायगियां मौखर। G20 ममालिक को अब कर्ज की अदायगियां 2025 से 2028 तक की जाएंगी। जापान, इटली, स्पेन से मजीद 18 करोड़ 95 लाख डॉलर का कर्ज मौखर कराया जाएगा। दस्तावेज इक्तसादी उमूर डिवीजन। तीसरी एयरबस A320 की PIA के बीड़े में शमूलियत, चौथे जहाज की चंद रोज में आमद मुतवक्के। रवां साल PIA ने 4 A320 तैयारे हासिल किए। यूक्रेन का ईरान पर रूस को ड्रोन फराहम करने का इल्ज़ाम, कीफ ने तेहरान से ताल्लुकात महदूद करने का ऐलान कर दिया। ईरान की रूस को ड्रोन फराहमी की तरदीद, जंग का मुज़ाकरात से हल पर जोर। T20 क्रिकेट का सुपर डुपर एक्शन, पाकिस्तान और इंग्लैंड चौथे मैच में कल आमने सामने होंगे। नेशनल स्टेडियम में शाम 7:30 बजे मैदान लगेगा। मेहमान टीम को सीरीज में 2-1 की बढ़तरी हासिल। चेयरमैन रमीज राजा की जेर सदारत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास, पाकिस्तान जूनियर लीग के अमूर पर बातचीत, PCB डोमेस्टिक क्रिकेट के नए सीजन पर भी गुफ्तगू, निजी क्रिकेट इवेंट्स की मंजूरी समेत जिमनी कानून की मंजूरी। रॉजर फेडरर ने टेनिस की दुनिया को खैरबाद कह दिया। करियर के आखिरी मैच में रॉजर और नडाल की जोड़ी को शिकस्त का सामना। स्विस टेनिस स्टार का 20 ग्रैंड स्लैम जीतने का एजाज, 8 बार विमिल्डन, 5 US ओपन, 6 ऑस्ट्रेलियन ओपन और 1 बार फ्रेंच ओपन का टाइटल अपने नाम किया। 237 हफ्तों में मुसलसल आलमी नंबर 1 रहने का भी एजाज़।